ये कहानी है एक गेटवे ड्राइवर की, जिसका काम है बैंक रॉबरी के बाद रॉबर्स को एक सेफ जगह पहुंचाना। गेटवे ड्राइवर वाली स्टोरी आपने ड्राइव और बेबी ड्राइवर जैसे फिल्मों में देखा होगा। खैर, व्हीलमैन को रॉबरी के दौरान एक आदमी का कॉल आता है और वो कहता है कि प्लान चेंज हो गया है और उसे सिर्फ उसी के इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने होंगे। उसके बाद व्हीलमैन को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये फिल्म की स्टोरी है। इसकी IMDb रेटिंग 6.4 और रॉटन टमाटोज पे रेटिंग 88% है। व्हीलमैन के डायरेक्टर हैं जेरेमी रस। फिल्म में ड्राइवर का नाम रिवील नहीं किया गया ताकि उसके इर्द गिर्द एक मिस्ट्री बनी रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की ओपनिंग सीन में व्हीलमैन एक BMW कार खरीदता है, जिसे वो बैंक रॉबरी में इस्तेमाल करने वाला है। वह उस कार की अच्छे से स्पीड टेस्ट कर लेता है। मूवी स्टार्ट होती है और व्हीलमैन कार लेकर निकल पड़ता है। वो रास्ते में क्ले को कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। उसके वॉइस मेल में एक मैसेज छोड़ता है कि इन दोनों रॉबर्स को कहाँ पर ड्रॉप करना है मुझे नहीं पता, तुम मुझे कॉल बैक करो। दरअसल क्ले व्हीलमैन का एक दोस्त है, जिसने उसको ये रॉबरी का काम सौंपा है और क्ले को हायर किया था एक हैंडलर ने। व्हीलमैन रास्ते में एक जगह पर कार रोकता है और वहां पर दो लोगों को पिकअप कर लेता है। यही दो लोग रॉबरी करने वाले हैं। इनमें से जो ब्लैक का आदमी होता है उसका नाम होता है बेन ओकरी, और जो व्हाइट मैन होता है उसका नाम फिल्म में नहीं बताया गया है, तो हम उसे कहेंगे मोहॉक। मोहॉक इधर उधर की चिटचाट करने लगता है और व्हीलमैन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। व्हीलमैन कहता है कि मुझे अपना नाम बताने में और तुमसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसीलिए अपना काम से काम रखो, और क्योंकि मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ तो तुम मुझे व्हीलमैन बुला सकते हो। और देखते ही देखते बैंक आ जाता है और वो दोनों रॉबर्स बैंक के अंदर चले जाते हैं अपना काम करने के लिए। व्हीलमैन को एक कॉल आता है जिसमें लिखा होता है आउट ऑफ एरिया। इस आदमी का नाम फिल्म में बाद में रिवील किया गया है, तो तब तक के लिए हम इसे आउट ऑफ एरिया ही कहेंगे। वो उससे कहता है कि प्लान बदल चुका है और तुम्हें सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करने होंगे, और व्हीलमैन भी वैसा ही करता है। वो कहता है कि जैसे ही ये दोनों रॉबर्स पैसा लेके गाड़ी के अंदर डालेंगे, तुम्हें गाड़ी यहाँ से भगा देना है और उनको पिकअप नहीं करना है, क्योंकि उन दोनों को इंस्ट्रक्शन मिले हैं तुम्हें मारने के लिए, और व्हीलमैन भी वैसा ही करता है। व्हीलमैन उस आदमी से कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने इन दोनों को पीछे छोड़ दिया, अब मुझे बताओ कि ड्रॉप लोकेशन कहाँ है। वह कहता है कि सब्र करो, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। आउट ऑफ एरिया व्हीलमैन को कहता है कि बैग में रखे हुए पैसे को गिनो और मुझे बताओ कितने हैं। व्हीलमैन उन नोटों को गिनता है और बताता है कि 2,30,000 हैं। जब व्हीलमैन नोटों को गिन रहा था, हम देखते हैं कि पीछे एक बाइकर व्हीलमैन के ऊपर नज़र रख रहा था। अगले सीन में व्हीलमैन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, और कुछ देर बाद उसको एक मैसेज आता है कि यू एंड क्ले आर डेड। व्हीलमैन समझ जाता है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। वो क्ले को कॉल करता है और उसे बताता है कि दोनों रॉबर्स को मैंने पीछे छोड़ दिया और तू मेरा कॉल नहीं उठा रहा था। वो क्ले पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने उसे धोखा दिया। क्ले कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद उसे आउट ऑफ एरिया का कॉल आता है और वो उसे एक ड्रॉप लोकेशन बताता है, जिसका नाम होता है चैंडलर स्टेशन। वो उसे यह भी कहता है कि तुम्हें पैसे ड्रॉप नहीं करने बल्कि एक एक्सचेंज करना है। व्हीलमैन उसके कहे मुताबिक उस जगह पर पहुँचता है और हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही सुनसान होती है और वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे वो जो देखने में गुंडे टाइप लग रहे थे। व्हीलमैन कुछ देर गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे देखता है और उसे शक हो जाता है कि वो जो पैसे लेकर आया है उन पैसों से ड्रग डील होने वाली है, और आउट ऑफ एरिया चाहता है कि व्हीलमैन इस ड्रग डील को अंजाम दे। उसके बाद क्या था, हम देखते हैं व्हीलमैन तेजी से गाड़ी भगाता है और वहाँ से निकल जाता है। व्हीलमैन क्ले को कॉल करके इस घटना के बारे में बताता है और क्ले उससे कहता है कि अगर उसने पैसे के बदले ड्रग्स खरीदने के लिए बोला है तो तुम खरीद लेते, तुम वहाँ से चले क्यों आए। लेकिन व्हीलमैन कहता है कि इन रॉबरी के पैसों से मैं ड्रग्स नहीं खरीदूंगा। वह कहता है कि अगर तुम्हें नहीं करना है तो ठीक है, मैं खुद ही वहाँ पर आ जाता हूँ एक्सचेंज के लिए। और आखिर में व्हीलमैन क्ले से कहता है कि अगर तुमने मेरे साथ कोई धोखा किया है तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि फिल्म के स्टार्टिंग में हमने जो बाइकर देखा था, वो बाइकर अभी भी व्हीलमैन का पीछा कर रहा था। व्हीलमैन को समझ भी नहीं आता कि यह आदमी एक्चुअली है कौन और इसका पीछा क्यों कर रहा है। व्हीलमैन बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बाइकर उसका पीछा नहीं छोड़ता।
इसके बाद व्हीलमैन को क्ले की तरफ से कॉल आता है और वो कहता है कि तुमको ये ड्रॉप करना ही पड़ेगा, अगर तुमने ये ड्रॉप नहीं किया तो मैं उस आदमी को बता दूंगा कि तुमने ये पैसे चोरी किए हैं। व्हीलमैन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो क्ले से कहता है कि ये आदमी कौन है तुम पता करो, अगर नहीं किया तो मैं उसी को कॉल करूंगा और बताऊंगा कि मैं उसके पैसे फेंकने वाला हूं। उसी वक्त व्हीलमैन को आउट ऑफ एरिया से भी कॉल आ रहे थे और वो भी पूछ रहा था कि तुमने एक्सचेंज क्यों नहीं किया, और व्हीलमैन को इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि ये बाइकर मुझे पीछा क्यों कर रहा है। व्हीलमैन फिर से क्ले को कॉल करता है और कहता है कि तुमने पता किया वो आदमी कौन है और किसने ये एक्सचेंज फिक्स किया था। क्ले कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, तुम्हें जो काम दिया गया है करो और सेंट्रल स्टेशन जाके यह एक्सचेंज कंप्लीट करो। व्हीलमैन क्ले के इस बात को पकड़ लेता है, वह कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि सेंट्रल स्टेशन गया था तो तुम्हें कैसे पता। व्हीलमैन को शक हो जाता है कि जो आदमी एक्सचेंज करवाना चाहता है उसके साथ क्ले मिला हुआ है। क्ले समझ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया है और वो कॉल हैंग अप कर देता है। इसके बाद व्हीलमैन को उस अननोन नंबर से एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि आई एम गोइंग टू किल क्ले देन आई एम गोइंग टू फाइंड यू दैट इज माई मनी। और आउट ऑफ एरिया का भी कॉल आता है, वह कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी, याद है ना मैंने क्या कहा था तुमसे, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। और हम देखते हैं कि पीछे से वो बाइकर व्हीलमैन को शूट करता है जो कार के विंडो में आके लगता है। फिर व्हीलमैन चौकन्ना हो जाता है और वहां से गाड़ी बहुत तेजी से भगाता है। फिर वो बाइकर व्हीलमैन के पीछे लग जाता है और कई बार उसको शूट करने की कोशिश करता है और उनके बीच में बहुत लंबी कार चेस होती है। व्हीलमैन बाइकर से पीछा छुड़ाने के लिए अपना दिमाग लगाता है और गाड़ी बहुत तेज से भगाता है और एक ऐसी जगह लेकर राइट टर्न मारता है जिसके आगे एक कार था। और जैसे ही व्हीलमैन राइट टर्न मारता है, हम देखें कि बाइकर डायरेक्ट उस कार से टकराता है और वहीं गिर जाता है। व्हीलमैन जाके उस बार पर पहुंचता है जहां पर क्ले होता है, उसको बार के अंदर से घसीट के लेके आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। वो उससे पूछता है कि ये एक्सचेंज करवाने के लिए किसने कहा था। वो दोनों जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो उनके सामने अचानक से एक गाड़ी आ जाती है और उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और इन दोनों पर फायर करने लगता है। वो दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। व्हीलमैन क्ले को एक सुनसान जगह लेकर जाता है और क्ले से पूछता है जो आदमी हम पर फायरिंग कर रहा था वो किसके गैंग का है। क्ले कहता है कि वह वेस्टर्न गैंग का लीडर है। व्हीलमैन क्ले के बात पर चौंक जाता है, वो कहता है कि अगर ये वेस्टर्न गैंग का लीडर है तो जिसके साथ मैं पूरी रात बात कर रहा था वो कौन है। क्ले कहता है कि वो आउट ऑफ एरिया से जो कॉल कर रहा था वो एक्चुअली फिली गैंग का लीडर है। दरअसल हुआ यूं था कि ये रॉबरी का असली हैंडलर वेस्टर्न गैंग का लीडर था और जो अननोन नंबर से भी कॉल आ रहा था वो भी वेस्टर्न गैंग का लीडर ही था। क्ले को फिली गैंग के लीडर ने बहुत सारे पैसे दिए और इन पैसों को चुरा कर एक ड्रग डील करने के लिए कहा था, और क्ले फिली गैंग के लीडर से पैसे लेकर वेस्टर्न गैंग के लीडर को डबल क्रॉस करने के लिए राजी हो गया। क्ले कहता है कि फिली लीडर इसलिए ये करना चाहता था ताकि उनके सामने वेस्टर्न गैंग बहुत वीक लगे और उनका दबदबा बना रहे। इसके बाद व्हीलमैन कहता है कि इन पैसों को मैं वेस्टर्न गैंग लीडर को दे दूंगा क्योंकि यह पैसे उन्हीं के थे। क्ले को बहुत चिंता हो जाती है कि वह फिली लीडर के पास खाली हाथ कैसे जाए क्योंकि उसने बहुत पैसे ले लिए थे इस जॉब के लिए। वह कहता है कि अगर मैं फिली लीडर के पास खाली हाथ जाऊंगा वह तो मुझे मार ही डालेगा। इस बात से डर कर क्ले वहीं आत्महत्या कर देता है। व्हीलमैन को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। वो अपने मरे हुए दोस्त को वहीं सड़क किनारे छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद व्हीलमैन को आउट ऑफ एरिया यानी कि फिली गैंग के लीडर के कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली को मैं जानता हूँ और किडनैपिंग करने की धमकी देता है। व्हीलमैन तुरंत अपनी बेटी को कॉल करके कहता है कि तुम कार लेकर निकल जाओ और मुझे एक गैराज में आके मिलो। व्हीलमैन उसकी वाइफ जेसिका को भी कॉल करता है और घर से निकलने के लिए कहता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती और उसी कॉल के दौरान उसका किडनैप हो जाता है। इसके बाद व्हीलमैन को अननोन नंबर का कॉल आता है और इस बार वो उसका कॉल उठाता है। वो व्हीलमैन को कहता है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्त क्ले को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है और मेरे पैसे चुराए हैं। व्हीलमैन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, ये सब क्ले का किया धरा है और ये पैसे मैं तुम्हें लौटा भी दूंगा। व्हीलमैन कहता है कि मेरी वाइफ का किडनैप हो गया है और उसे किडनैप करने वाला फिली गैंग का लीडर है।
वह दोनों एक दूसरे से डील करते हैं। वेस्टर्न गैंग लीडर कहता है कि तुम पैसा लेकर फिली लीडर के बताए हुए जगह पर जाओ और उसे पैसा लौटाओ, तब हमारे लोग उसे घात लगाकर वहीं मार डालेंगे। इसके बाद व्हीलमैन फिली लीडर के बताए हुए लोकेशन पर जाने की तैयारी करता है और जैसे ही वह कुछ दूर जाता है उसकी कार से एक SUV आके टकराती है और उसमें से एक आदमी निकलता है, वह और कोई नहीं मोहॉक ही होता है। इसके बाद मोहॉक और व्हीलमैन के बीच बहुत लंबा शूट आउट होता है और आखिरकार वह मोहॉक वाला आदमी वहीं पर मर जाता है। इसके बाद व्हीलमैन ये भांप लेता है कि कहीं ना कहीं उसे ट्रैक किया जा रहा था। वो पैसों के बैग में जाके देखता है और वहाँ उसको एक ट्रैकर मिलता है, उस ट्रैकर को वो निकाल के फेंक देता है। इसके बाद व्हीलमैन अपनी बेटी के साथ जाकर मिलता है एक पार्किंग लॉट में। वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर जाकर रहना है और मैं ये पैसे लेकर एक आदमी को दे के आऊँगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। व्हीलमैन फिली गैंग के लीडर को पैसे देने जाता है और वह लोग बात करते हैं। इस तरफ केटी ने अपने पापा के बताए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए थे और वो भी जाकर वहाँ पर पहुँच गई और उनको दूर से देखने लगी। और हम देखते हैं कि व्हीलमैन और फिली लीडर के बीच बहुत लंबा स्टैंड ऑफ होता है और वो पैसे लेकर अपनी बीवी को लेने के लिए कहता है। व्हीलमैन के पास जेसिका आ जाती है लेकिन वह पैसे नहीं लौटाता बल्कि एक पेट्रोल बॉम्ब फिली गैंग के ऊपर फेंक देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यह सब कुछ केटी देख रही थी और ये सब देखने के बाद वह भी इन दोनों के पीछे भागने लगती है। व्हीलमैन और केटी मिलकर अपने कार में वहाँ से भागने लगते हैं और उनका पीछा करते हैं फिली गैंग के लोग। उनके बीच में बहुत लंबा चेस होता है और इसी बीच वेस्टर्न गैंग लीडर का फोन आता है। व्हीलमैन उसे बताता है कि हम वही फिल्मोर नाम की जगह पे जा रहे हैं और हमारा पीछा कर रहे हैं फिली गैंग के लोग। ये सुनने के बाद वेस्टर्न गैंग के लोग चकन्ना हो जाते हैं और वहीं उनका वेट करते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि व्हीलमैन उसी जगह पर जाकर पहुंचते हैं और जैसे ही वो लोग वहां पे पहुंचते हैं वेस्टर्न गैंग के लोग उन सब के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और सबको वहां पे मार डालते हैं। इसके बाद व्हीलमैन वेस्टर्न गैंग के लीडर से मिलता है और पैसों भरा बैग उसे दे देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हीलमैन केटी को जेसिका के पास छोड़ देता है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।